बजले राधे राम तेरे काम आएगा, गोविंदा गोपाला श्री श्याम राधे, गोविंदा गोपाला श्री श्याम राधे। इकोनॉमिक्स विद द म्यूजिक। यस, वी आर बिगिनिंग विद एग्रीगेटेड डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो नंबर 2, कंसम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड लीनियर फंक्शन इन दिस वीडियो। डोंट स्किप इट, वॉच इट एंड डिस्कवर फुल मार्क्स वेटेज ऑफ दिस यूनिट इज 12 मार्क। भूलना नहीं, याद रखा है आपको। सो टाइम इज सो प्रीशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम वॉन्ट टू वेट फॉर अस। टाइम कभी हमारे लिए वेट नहीं करेंगे। हमको अपनी नॉलेज, डे टू डे वर्क अपडेट करना बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू लूज आवर मार्क्स, वी वॉन्ट टू स्कोर, वी वॉन्ट टू गेन, बिकॉज वी आर बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स। इट्स अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, इट्स अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कंसम्पशन फंक्शन। व्हाट इज कंसम्पशन फंक्शन? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। व्हाट इज सम फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंसम्पशन? व्हाट इज इट? Consumption function, which means that it refers to the consumption or the relationship between consumption and national income. Consumption is depends upon the level of income. Already we know that. So here it refers to the functional relationship. Kis ke saath? Between consumption and national income. National income कितना है उसके हिसाब से economy do consume, economy consumption करेंगे, consume करेंगे, purchase करेंगे. So it is the process, it is the functional process of national income and consumption. Symbolically, consumption is equal to consumption C, which implies consumption. C is equal to function of Y. Y which implies national income. Y ka matlab national income. Consumption C ke matlab consumption. F which implies functional relationship. That's all. So what is consumption? It is the functional relationship between. Functional relationship between national income and consumption. That's all. And there are two types of propensity to consume. Before that, we must have to know that it represents the willingness of household. इधर household कौन है? अपना economy, अपना society. Understand? हम सब मिलके ए household हो गया. It represents, which represents? Consumption function represents willingness of household to purchase. इट इज द विलिंगनेस, हमारा इच्छा है, हमारा एबिलिटी है, एबल मीन्स कैपेबल है, अफोर्डेबल है, हम कंज्यूम करने के लिए अपने पॉकेट में पैसा है तो हम कंज्यूम करेंगे. अंडरस्टैंड? सो इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेस एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम. दिया हुआ इनकम यूज करके अपने जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं. कौन? हाउस होल्ड, अपना इकोनॉमी, अपना सोसाइटी. विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, कब? ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिया हुआ पर्टिकुलर ईयर के अंदर, दिया हुआ टाइम पीरियड ऑफ टाइम में कितने सारे इनकम इकोनॉमी में है, वो इनकम को स्पेंड करके गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं कंसम्पशन फंक्शन. And it shows the consumption level at a different level of income. ये जो consumption आपको shows the consumption level, ये क्या दिखाते हैं? Level at a different level of, अलग अलग amount of income के हिसाब से purchasing ability होते हैं, है ना? हमारे पास कितना इनकम है? सरदार मैम के पास क्या है? 10,000 rupees है, मुझे कुछ खरीदना है. वो 10,000 rupees में मुझे क्या क्या चीज अवेलेबल है, मैं अफोर्डेबल है, मैं खरीद सकते हैं, उसके हिसाब से मैं परचेज करेंगे. जैसा ये द सेंटेंस इज सेइंग, अबाउट ए सेंटेंस अपन को क्या बता रहे? देखो, इट शोज द कंसम्पशन लेवल एट
कंसम्पशन लेवल किसको लेवल करते हैं? डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम को, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम को. एंड इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ये एक इकोनॉमी का, हाउसहोल्ड की साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या आता है? हमारा थॉट प्रोसेस है ना. सो हमारे अंदर हमको पता है अपने घर में कितने इनकम कमा रहे हैं, कितने इनकम आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो हम खर्चा करेंगे, उसके हिसाब से हम कंज्यूम करेंगे. जैसे ही अपना इकोनॉमी भी यही करते हैं, कितनी लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स इनकम इज कैलकुलेटेड टू गेट नेशनल इनकम, राइट. ये हमको पहले से पता है. जैसे ही इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट मीन्स हैबिट. कुछ लोगों का हैबिट होता है ना. फॉर एग्जाम्पल द पीपल दोज हु आर एल्कोहलिक, सिगरेट पीने वाला, ये सब उनका हैबिट है. वी कांट स्टॉप. उनके पास इनकम हो ना हो, कुछ भी हो, उनको हैबिट है, उनको लेना ही लेना है. दे डू परचेज, दे डू कंज्यूम. एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यस ऑफ कोर्स. अपने टेस्ट, अपने इच्छा के अनुसार हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर गुड्स को डिमांड करते हैं. जैसा अपने इकोनॉमी, राइट, द होल सोसाइटी, सब अपने अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अपने अपने इच्छा के अनुसार हम क्या करते हैं, परचेज करते, खरीदेंगे अपने सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए ऑफ द सोसाइटी. दिस इज व्हाट कॉल्ड कंसम्पशन फंक्शन. सिंपल कंसम्पशन फंक्शन होते क्या है? सबसे पहले नेशनल इनकम, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसलिए हम लोग होल इकोनॉमी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं. जिस नॉट है माइक्रो, माइक्रो में क्या है, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में अपन स्टडी करते हैं ना, इसलिए. सो द नेशनल इनकम स्पेंड फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसम्पशन फंक्शन. फंक्शन को बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंसम्पशन, दैट्स ऑल, राइट. ज्यादा कुछ नहीं. इसमें टू कैटेगरीज ऑफ कंसम्पशन फंक्शन अपन पढ़ने वाला है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. व्हाट इज इट? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी एंड एमपीसी, राइट. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. What is average propensity to consume? Average. Average means what? What is average? We all know that when we are, scoring what? Average mark. Minimum passing marks. That is all called average. Right? Minimum mark. Right? That is the ratio. Right? It refers to the ratio of consumption expenditure. Consumption expenditure. कंज्यूम करने के लिए कितना खर्च किया है, कितने परसेंटेज हमने स्पेंड किया है दिया हुआ इनकम से. सो रेशियो ऑफ कंसम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करेस्पोंडिंग लेवल ऑफ इनकम, टू द करेस्पोंडिंग लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ इनकम से कितना रेशियो, कितने अमाउंट, कितने परसेंटेज स्पेंड फॉर बाइंग the goods and the services by the economy is called average propensity to consume. How can we calculate average propensity to consume? APC is equal to consumption upon income. Consumption से अपन को क्या करना है? Income, consumption और income को अपन divide करेंगे. Consumption से income, income से consumption को divide करेंगे. You will get average propensity to consume. Understand? So for that, छोटा सा एक schedule मैंने बनाया है. इनकम ये ऑलरेडी नो 0, 100, 200, 300 के डिफरेंस में हम लोग ने शेड्यूल बनाया है. ऑलरेडी दे कंप्लीट यूनिट्स वी आर यूजिंग द सेम नंबर्स बिकॉज ऑफ इजी टू व्हाट कंप्लीटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. अंडरस्टैंड? सो यू कैन डू योर एनी वैल्यू, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द सेम वैल्यूज यू हैव टू अप्लाई. सो दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ईजी फॉर what making the schedule. That is the reason. Consumption 40, 120, 200, 280, 360, 80 के difference में लिया है values. आपका जो propensity to consume, we know that consumption upon income. Look at here. The schedule, already we know that. And 0 divided by 40. No. Consumption upon income. So 40 divided by 0, you will get कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा. सो देन आफ्टर 120 डिवाइडेड, 120 इज द कंसम्पशन एंड 100 इज द इनकम. व्हेन 120 डिवाइडेड बाय 100 यू विल गेट 1.2. अंडरस्टैंड?
सो व्हाट इज दिस 1.2 व्हिच मींस दैट इनकम से क्या है, इनकम से अपनी कंसम्पशन ज्यादा है ना, ये 120 रुपीस मेरे इनकम कितना है, इकोनॉमी में 100 रुपीस इनकम है बट कंसम्पशन इज 120 मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1, इनकम से क्या है कंसम्पशन ज्यादा है, अंडरस्टैंड, so which means C, consumption is greater than income, consumption is greater than income, so there exist, consumption is greater than income means what, so de-saving, understand, de-saving हो सकते, then 200 upon 200 means 200 consumption, income is also consumption, 200 upon 200 that means income is equal to consumption or consumption is equal to income. There exists a break-even point which means that poore income consumption ke liye humne karch kiya hai. Complete. The whole income is spent for or used for expenditure purpose. Then it is called what there exists a break-even point. Now you are remembering the diagram break-even point. Alright. So, what is break-even point? कोई टेंशन नहीं लेना, वो याद कर रहे मैम ने याद रखी, पिछले वाला वीडियो है ना आप देख लेना, आपको पता चलेगा सेविंग फंक्शन वाला वीडियो इज देयर, सो यू विल गेट द प्रीवियस ऑन वीडियो व्हेन यू आर यू नो वॉचिंग, यू विल गेट द व्हाट यू नो विच पॉइंट वी कैन से इट इज अ ब्रेक-इवन पॉइंट, आपको आराम से पता चलेगा. सो 120 डिवाइडेड बाई 100 आपको मिलेगा वॉट 1.2, दैट इज कंसम्पशन इज मोर देन इनकम. And 200 upon 200, you will get 1, which means that consumption is equal to what? Consumption is equal to income. Here I have written consumption is equal to income, whole income spent. So break even point. A situation C is equal to Y arrow, Y is equal to C is equal to dash. किया है तो आप लिखना है break even point. And 300 rupees income and 280 rupees consumption. So 280 upon 300, 0.9, less than 1. Which means that average propensity to consume is less than 1. Less than 1 yani average propensity to consume is less than 1. Which means that consumption is less than level of income. दिया हुआ इनकम से कम कंज्यूम किया है, बाकी जो बचा है अमाउंट को सेव किया है. सो 0.9. And 0.1 कहाँ पर गया है? Saving में चला गया है. The same like 360 upon 400, 0.9. Here also 1% जो save किया है, बाकी remaining percentage उन्होंने spend किया है. So average propensity to consume is less than is equal to 1. And one more thing we have to keep it in mind, average propensity to consume never be is equal to 0, can be infinite and never be is equal to 0. Why it is not, we are saying that there is no zero level of consumption, because the reason that autonomous consumption when zero level of income also फिर को क्या करना पड़ेगा, consume करना पड़ेगा, bore हो रहे ना, नींद आ रहे ना, हाँ सुला दो आज तो, ऐसे भी अपने कन्हैया की बर्थडे है तो आज अपना भी बर्थडे मानेंगे, मैम इतना बोर हो रहे आज तो पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहे आज, स्पेशली बोरिंग क्लास है आज, बोरिंग लग रहा है मैम, लोग क्या हो गया आज, कोई मस्ती नहीं, कोई मूड नहीं है, आफ्टर द हैंगओवर ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन. Oh no, we are studying the fantastic subject of economics, nothing my dears, very simple and easy, average propensity to consume, average, the ratio of consumption from the given level of income, दिया हुआ income से कितना ratio हम consumption के लिए spend कर रहे हैं, वो process को इधर बताया है, that is what called average propensity to consume, C upon Y, C consumption upon income, that is what average propensity to consume. इसमें वेरी सिंपल चीज है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, अपन इनकम से भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हो सकते हैं वो पॉसिबल है ना. अभी सेलिब्रेशन आ रहे, माय गॉड दिवाली आने वाला है और कितना खर्चा करना पड़ेगा है ना, कितनी पटाखा फोड़ना पड़ेगा, क्रैकर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी सराउंडिंग्स को क्या करना है, पोल्यूट करना पड़ेगा, उसमें से मजा लेना पड़ेगा, उसके लिए तो हम वेट कर रहे हैं कब आएगा, और कभी भी अपना कौन सा सेलिब्रेशन, दीपावली सेलिब्रेशन आएंगे तब तो हमको मस्ती करना है ना, अपना डे से हमको एंजॉय करना है, यस ऑफ कोर्स वी हैव टू एंजॉय, अदरवाइज व्हाट लाइफ है ना, सेलिब्रेशन ऑलवेज डू सेलिब्रेशन, दिस इज व्हाट वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो हियर एवरेज व्हेन द कंसम्पशन इज मोर देन इनकम,
Understand? When the way there exists what? There exists what? Dissaving, dissaving, saving क्या मतलब? Money भी draw करके अपन क्या करते हैं? पुराना जमानों में save किया है, वो भी लेके हम consume कर रहे हैं, हमको crackles को फोड़ना है, वो भी अलग अलग color के ऐसे कौन सा वाला बम्ब है ना कुछ बोलते हैं यू पीपल आई डोंट नो अबाउट द नेम ऑफ डिफरेंट क्रैकल्स एंड ऑल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग स्वीट्स एंड ऑल अंडरस्टैंड इसलिए सब बोलते हैं बबली बबली है ना सो दिस आई लाइक इट सो मच डियर्स वी आर स्टडीइंग अबाउट श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाद नारायण वासुदेवा कर्नाटिक म्यूजिक में चले जाएंगे फिर अपन सोचेंगे मैम इकोनॉमिक्स में क्या म्यूजिक है दिमाग खराब कर रहे यार पढ़ाओ आगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर यू रेडी कम ऑन सो वंस अगेन विल रिवाइज इट आवर द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नेवर बी जीरो कभी जीरो नहीं हो सकते क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी तो हम कंज्यूम करते हैं मेरे पास पैसा नहीं था पांच पैसे भी नहीं था जैसे है ना अपन यू यू करके स्कूटी चलाते हैं ना बाइक चलाते हैं ना जैसे हॉर्न बजाते रहे की हॉर्न बजाते रहे रास्ते में तो हम क्या बोलते हैं वो की आवाज में से ये बोलते हैं पापा के पैसा है पापा के पैसा है पापा के पैसा है हमारा पैसा नहीं है ना दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑटोनॉमस कंसम्पशन डियर्स नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हाट इज मार्जिनल द वर्ड मार्जिन मीन्स एक्स्ट्रा एडिशनल Propensity means what? The ratio, additional ratio of consumption. How can we write it? Refers to the ratio of change in consumption. Consumption tendency has been changed because of additional income and change in total income or due to change in total income. Income mein changes aa gaya hai, uske hisab se additional capacity of consumption is also getting change that is what called the marginal propensity to consume how do we calculate marginal propensity to consume marginal propensity to consume means MPC is equal to change in consumption upon change in income right so how do we going to calculate change in consumption upon change in income what is change in consumption delta C which means that C1 minus C delta Y That is equal to y1 minus y, right? So this is what called marginal propensity to consume. What is marginal propensity to consume? It refers to the ratio of change. Kitna amount of ratio change means additional income spend kiya hai consumption ke liye kyunki mera income badh gaya. और इकोनॉमी में इकोनॉमी में कितना रेशियो ऑफ इनकम बढ़ा है उसी में से कितना रेशियो ऑफ कंसम्पशन पावर भी बढ़ा है दैट इज व्हाट कॉल्ड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एडिशनल रेशियो ऑफ कंसम्पशन एडिशनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ड्यू टू एडिशनल इनकम चेंज इन एडिशनल इनकम सो विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल द सेम शेड्यूल वी आर यूजिंग कंसम्पशन 0 100 200 300 सेम डिफरेंस में लिया पे कंसम्पशन भी सेम डिफरेंस है 80 का डिफरेंस है ऑलरेडी वी नो दैट सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव प्रिपेयर्ड देन डेल्टा सी दैट कॉलम वी विल गेट 120 माइनस 4080 200 माइनस 120 80 280 माइनस 280 360 माइनस 280 यू विल गेट 80 दैट इज द एडिशनल कंसम्पशन मीन्स अ चेंज इन कंसम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम इनकम सबसे पहले अपन को क्या था जीरो देन 100 हुआ है 100 माइनस 0 100 200 माइनस 100 100 300 माइनस 200 100 400 माइनस 300 100 अंडरस्टैंड सो दैट इज योर चेंज इन लेवल ऑफ इनकम सो 100 रुपीस चेंज इन इनकम एंड कंसम्पशन इज आल्सो 80 रुपीस अंडरस्टैंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस शेड्यूल हमने उसके हिसाब से बनाया है इजीली हमको क्या करना है कॉन्सेप्ट को समझना है एग्जामिनेशन में शेड्यूल इजीली बना के अच्छी स्कोर करना है सो हियर हाउ डू वी गोइंग टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करना है ऑलरेडी हमने लिखा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाय चेंज इन कंसम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम सो चेंज इन कंसम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम कंसम्पशन 80 अपॉन 100 सभी में सेम वैल्यूज है ना इसमें कोई डिफरेंस नहीं है वी विल गेट 0.8 सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन इज इक्वल टू 1 लेस देन 1 हियर एमपीसी लेस देन 1
ठीक है. सो एडिशनल कंजम्पशन इज लेस देन व्हाट, पूरे एडिशनल इनकम हमने इकोनॉमी ने स्पेंड नहीं किया है कंज्यूम करने के लिए, कुछ इनकम कुछ परसेंटेज 0.2% इन्होंने सेव किया है. कितने एडिशनल इनकम इंक्रीज हुआ है वो इनकम से कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टडीइंग अबाउट द होल इनकम. कितना एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम बढ़ा है आपके पास, ऑलरेडी 100 रुपीज आप कब आए तो 20 रुपीज आपके एक्स्ट्रा आपने कमाए, ये जो 20 रुपीज में से आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो एडिशनल कंजम्पशन फ्रॉम द एडिशनल इनकम, वी आर स्टडीइंग अबाउट द एडिशनल कंजम्पशन, एक्स्ट्रा कंजम्पशन फ्रॉम द एक्स्ट्रा लेवल ऑफ income, that is what called a marginal propensity to consume. For example, आपको already आपने 500 rupees कमाया है, but this month में आपको क्या मिला है, 250 rupees extra आपने कमाया, 5000 plus 250 means 5250 हो गया. ये जो 250 में से आप कितना additional consumption कर रहे हैं, you are getting, that is what called the marginal propensity to consume. We can write it refers to the ratio of change in income, sorry, change in consumption and the change in level of income. Is that clear? Now, when, see, marginal propensity to consume is equal to zero, marginal additional propensity to consume can be zero. आप कंफ्यूज नहीं होने, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नेवर बी जीरो, क्योंकि कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी हम कंज्यूम कर रहे हैं. ऑटोनॉमस कंजम्पशन मैंने समझा है, मार्जिनल यानी एडिशनल इनकम से 5000 कमाया उसमें से नहीं, ये जो 5000 के साथ आपको 250 एक्स्ट्रा इनकम मिल रहे हैं उसमें से कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो हाँ भी कर, मीन्स कंजम्पशन कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं, है ना, पॉसिबल है ना वो. 250 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा मिला है, मैं क्यों खर्चा करूँ, मुझे नहीं करना है, आई विल कीप इट फॉर सेविंग, एंड 5000 मैंने कमाया उसमें से मैं खर्चा कर रही हूँ. यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी जीरो, वो जीरो हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स विद रीजन में आ सकते हैं. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी जीरो व्हेन द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, कितना एडिशनल इनकम आपके पास आया है वो इनकम आपने सेव किया है, देन MPC is equal to zero. A reason is MPC can be zero because when the entire additional income, the whole additional income you used for saving. Understand? And next is marginal propensity is equal to one. Propensity to consume is equal to one. Yes, of course. मुझे कितना extra income मिला है वो भी मैंने क्या किया है, consume किया. The whole income I spend for consumption. ठीक है, सो होल एडिशनल इनकम 250 एक्स्ट्रा मुझे मिला है, वो 250 रुपीस मिला है तो ये मेरे एडिशनल इनकम है. मुझे लगा है कि बिल्कुल क्या करना है, दीपावली में दशहरे में क्रैकल्स लेना है, मेरे सबसे बड़े दुश्मन टीचर कौन है, उनके चेयर के नीचे पटाखा लगाना है, डराना तो है ना टीचर को. ए यू नेवर डू इट, यू आर गुड स्टूडेंट्स, ओके, सो वी नेवर डू इट. सो द एडिशनल इनकम स्पेंड फॉर बाइंग गुड्स is called what? Marginal propensity to consume. What is marginal propensity to consume? The additional income spent for buying goods and services. ठीक है, the whole additional income. Whole, कितने मिला है? 250 rupees मिला है तो मैंने 250 rupees spend किया है क्या के लिए? वो additional income है मेरा. मैंने खर्चा करके मैंने क्या लिया है? एक jeans top लिया है. Understand? So that is what called it. Addition marginal propensity to consume is equal to 1. Means whole additional income is called additional income. Additional income. Yaad rakhna. And marginal propensity to consume is greater than poor than marginal propensity to consume of rich. इसका मतलब क्या है? इसकी जो ये statement मैंने लिखा है, इसके meaning आपको पता होना चाहिए. ये जो additional propensity to consume, जो poor society के लिए कितना एडिशनल इनकम मिलेगा उतना उनके कंजम्पशन को क्या करते हैं, कंज्यूम करने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं पुअर लोगों को. वो क्या करेंगे, वो उनकी अफोर्डेबल से उनको जो एक्स्ट्रा कुछ परचेज करना है वो भी कर सकते हैं. कितना एडिशनल इनकम मिलेगा, उनके कंजम्पशन पावर बढ़ेगा. अगर रिच पीपल के लिए है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना इनकम बढ़ेगा उतना उनके कंजम्पशन कम होगा, उनके इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना, वो सेव करेंगे. इन्वेस्टमेंट they will get the tendency of saving, because already they are rich, they are having enough money for consumption. Now the extra income if they are getting, they do go for saving or investing. Understand? So marginal propensity to consume can be less than 1.
लेस देन वन भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो, मोर देन वन हो सकते हैं, नो नेवर बी ग्रेटर देन वन. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी ग्रेटर देन वन नहीं हो सकते हैं. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू जीरो हो सकते हैं एंड इक्वल टू वन हो सकते हैं, लेस देन वन हो सकते हैं. नेवर बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन, नेवर बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन. Linear consumption function and what linear consumption function induces investment and autonomous consumption. This video coming soon with a full of energy, and in this video I am not giving more because more than 20 minutes you want to watch it, you feel boring. I don't want to make my viewers, my students get bored. And humko kya karna hai, इतना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, देन ओनली वी कैन स्कोर फुल मार्क्स. सो डोंट स्किप इट एंड डोंट लूज इट, वॉच इट ऑन. एंड नेक्स्ट वीडियो जून कमिंग, लिनियर कंसम्पशन फंक्शन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. माय डियर्स, इकोनॉमिक्स विद म्यूजिक, श्रद्धा किशोर. डोंट मिस इट, सब्सक्राइब, वॉच, लाइक एंड शेयर इट. साइनिंग आउट. When I am uploading the video of our subject of economics, do you want to score 100 on 100 marks? Don't skip it. You can definitely score full marks and guarantee. Are you ready?